नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर। तो अभी पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में हमने ये और ये टाइप कवर कर लिया है, और इस वीडियो में हम लास्ट टाइप कवर करने वाले हैं, दैट इज टाइप नंबर सी, आइगन वैल्यूज रिपीटेड एंड मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो अभी इन दोनों टाइप्स के ऊपर जो वीडियोज बनाए मैंने, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड दोनों आई बटन में दोनों के लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। सो अभी हम डायरेक्टली सम के ऊपर जंप करते हैं। सबसे मैं बताऊंगा सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो -1 -1, 2 2, -2 -2। अब यहाँ पे देखो ये तीन नंबर्स और ये तीन नंबर्स सेम होने चाहिए, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। तो अभी हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर वन के ऊपर जंप करते हैं। a - λi x = 0, a का वैल्यू डाल दिया -λ, i का वैल्यू हमें पता है 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1, एंड x1 x2 x3 क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स है, एंड इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लैम्ब्रा है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लैम्ब्रा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × λ = λ, 1 × λ = λ, एंड यहाँ पे भी लैम्ब्रा। अब λ × 0 0 ही होता है, इसलिए 0 के जगह पे 0 ही होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ये माइनस ये करना है, मतलब 6 - λ, -2 - 0 दैट इज -2, 2 - 0 दैट इज 2, देन यहाँ पे 3 - λ दैट इज 3 - λ, -2 - 0 -2 होता है, ठीक है। बाकी सब वैसे के वैसे, 3 - λ 3 - λ, राइट। x1 x2 x3 = 0। स्टेप नंबर टू के ऊपर आते हैं हम लोग। स्टेप नंबर टू में मैंने वही लिखा है क्योंकि हमें पूछा भी वही गया है, a - λi जो कि हमने ऑलरेडी निकाला है। सो अभी हम स्टेप नंबर थ्री के ऊपर आते हैं। इसमें क्या है, लैम्ब्रा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हमें पता है कि ये तीन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए हम इन तीनों का एडिशन करेंगे। 6 + 3 = 9, एंड 9 + 3 = 12। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 λ² प्लस। अब सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, अभी हमें पता है कि ये तीन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट हम पकड़ेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट हम पकड़ते हैं उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो और कॉलम गायब हो जाता है, तो हमारे पास बचते हैं ये। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दिस इंटू दिस 9, एंड माइनस -1 × -1 दैट इज +1, सो 9 - 1 दैट इज 8, राइट। तो अभी सेकेंड डायगोनल एलिमेंट हम पकड़ेंगे, ये और ये गायब हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 × 6 दैट इज 18, 18 - 2 × 2 = 4 दैट इज +1 = 4, ओके। देन थर्ड डायगोनल एलिमेंट, दिस इंटू दिस 18 माइनस दिस इंटू दिस 4, ओके, सो इधर फिर 14। तो अभी 14 + 14 दैट इज 28, और 28 + 8 दैट इज 36। सो यहाँ पे 36 लैम्ब्रा लिख दिया, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हमारा कैलकुलेटर है, ये जो कैलकुलेटर है ये 4 मैट्रिक्स तक स्टोर कर सकता है, और ये 4 डिग्री तक के इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, जो कि बाकी के नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं सॉल्व कर सकते, वो बस 3 तक डिग्री और 3 मैट्रिक्स स्टोर कर सकता है। इसीलिए ये कैलकुलेटर खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ेगी अगर 4 के चीज़ें अगर एग्जाम में आई, और उसमें बच्चों के मिस्टेक्स होते ही है। तो अगर आपको एक कैलकुलेटर खरीदना है तो इसका बेस्ट बाय अमेजोन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से खरीद सकते हो। सो अभी हम मेनू मोड में जाते हैं। मेनू मोड में यहां पे मैट्रिक्स में जाते हैं। मैट्रिक्स में अब यहां पे देखो 4 वो स्टोर कर सकता है जैसे कि मैंने बोला था। देन 1 में जाते हैं हम लोग। अब यहां पे 3 × 3 क्योंकि हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स है। देन अभी ए का वैल्यू हम इसमें डालते हैं, मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ने के लिए इज इक्वल टू का बटन दबाते हैं, ठीक है, डाल दिया। अब एसी दबा के इसे स्टोर करूंगा इन मैट्रिक्स 1। अब ऑप्शन में जाएंगे, नीचे का एरो दबाएंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट का ऑप्शन है। देन 2, डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सो यहाँ पे 3 दबाएंगे, एंड देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 32। सो अभी ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लैम्ब्रा के 3 वैल्यूज निकालने हैं। सो ये हमारा कैलसी है। मेनू में जाएंगे हम लोग। मेनू में जाने के बाद यहाँ पे इक्वेशन एंड फंक्शन नाम का ऑप्शन है, इज इक्वल टू दबाएंगे। हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि ये 4 डिग्री तक कर सकता है, ठीक है, बट हम 3 दबाएंगे क्योंकि हमारा अभी फिलहाल 3 का है, ओके। सो अभी हम इक्वेशन जो हमारा हो इसमें एंटर करेंगे, 1λ³ माइनस 12λ² प्लस 36λ और माइनस 32, राइट, इज इक्वल टू 8 2। और देखो अभी 2 एक ही बार है, इसके पीछे एक साइंस है। तो अभी इसके पीछे साइंस ये है कि यहाँ पे 3 डिग्री तक दिया है, मतलब कि लैम्ब्रा के 3 वैल्यूज आने ही वाले हैं।
तो कैलसी क्या करता है, जो लास्ट का जो वैल्यू है अगर वो रिपीट होने वाला है तो वो एक ही बार दिखाता है, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि 2 दो बार है, और अगर कैल्सियम में सिर्फ एक बार 2 ही दिया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं है, मतलब तीनों बार 2 ही है। सो अभी हमें दो केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, केस नंबर 1 जिसमें लैम्डा 8 होगा और दूसरे में लैम्डा 2 ही होगा। 2 दो बार रिपीटेड है इसलिए हमें केस नंबर 2 तक ही करना है, अगर तीनों अलग अलग होते थे तो हमें केस 1, केस 2 और केस 3 करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सो अभी हमारे केस नंबर 1 पे आते हैं जिसमें लैम्डा का वैल्यू 8 होगा। अब लैम्डा का वैल्यू जो 8 है वो हमें इसमें डालना है। सो अभी 6 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 2, 3 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 5, और 3 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 5। सो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं या तो हम अजम्पशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल हमें तब अप्लाई करना है जब हमारे पास एटलीस्ट 2 डिफरेंट इक्वेशंस है। अगर तीनों डिफरेंट इक्वेशन है तो तीन में से कोई भी 2 इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट अगर तीनों इक्वेशन सेम है जैसे कि 131, 131, 131 ऐसा, तो आपको अजम्पशन रूल यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड, तो मैं क्रैमर्स रूल यूज करूंगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेम का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर 131 और 262 ऐसा हो तो 262 को अगर 2 से डिवाइड किया तो वो 131 ही आता है, तो वो सेम ही हो गया है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। दोनों एग्जैक्टली डिफरेंट आने चाहिए, जैसे कि अभी ये और ये, अब इसमें मैंने किसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी किया तो वो डिफरेंट ही होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लाइक रो चूज़ किया है, तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये 2 इक्वेशन बनाए। लाइक मैंने बस x1, x2, x3 डाल दिया, बाकी नंबर्स वही है, -2, -2 एंड 2, देन -2, -5 एंड -1, राइट। सो अभी हम क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हैं, तो क्रैमर्स रूल में x1 अपॉन अभी x1 अगर हमने चूज़ किया है तो बाकी 2 x2, x3 के नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज -2, -5 एंड 2 एंड -1 इज इक्वल टू -x2, लाइक प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, राइट। सो अभी x2 चूज़ किया है तो x1 और x3 के नंबर्स हम लिखेंगे -2, -2 एंड यहाँ पे 2 और -1, ओके, एंड x3 अपॉन अब x3 चूज किया है तो -2, -2, -2, -5। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, -2 × -1 दैट इज 2, -5 × 2 दैट इज -10, सो 2 माइनस ऑफ -10 दैट इज 2 + 10, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 इज इक्वल टू -x2 अपॉन, अब यहाँ पे -1 × -2 दैट इज 2 -4, सो 2 माइनस ऑफ -4 दैट इज 2 + 4 दैट इज 6, एंड यहाँ पे x3 अपॉन, अब यहाँ पे 5 × 2 दैट इज 10 और 10 - 4, ओके, ये मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि दोनों माइनस ही है तो लाइक कट हो जाएगा वो, सो 10 - 4 दैट इज 6। यहाँ पे मैंने 2, 1, 1 इसीलिए लिखा क्योंकि अगर सबको मैंने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस। सो अभी इसका मतलब ये है कि हमारा जो आइगन वेक्टर है उसका जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है, सेकंड नंबर -1 है और थर्ड नंबर 1 है। अब यहाँ पे इस केस में यानी कि केस नंबर 3 जिसमें लाइक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली करनी पड़ती है, वो आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ता है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको लाइक सम खत्म होने के बाद बताऊंगा, लाइक आई मीन केस नंबर 2 खत्म होने के बाद बताऊंगा। अब केस नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम लोग, टाइम बचाने के लिए मैंने लिख लिया ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे केस नंबर 2 में लैम्डा इज इक्वल टू 2 डाल देंगे हम लोग। अगर इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 डाला हमने तो यहाँ पे 6 - 2 दैट इज 4, देन यहाँ पे 3 - 2 दैट इज 1 एंड 3 - 2 दैट इज 1, ओके, बाकी सब वैसे का वैसा। देन अभी और अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे तीनों सेम है, कैसे, अभी अगर इसको मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 = 4, -1 × 2 दैट इज -2 एंड 1 × 2 दैट इज 2, और अगर इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 और + 1 जो इसके साथ सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों सेम है, और इस कंडीशन में हम यूज करेंगे अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड में क्या करना पड़ता है, तीनों में से कोई भी एक उठाओ क्योंकि तीनों सेम ही है, जनरली हम पहला उठाते हैं और इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 4x1 - 2x2 + 2x3 = 0। देन अभी यहाँ पे x2 को हम a पकड़ेंगे, x3 को हम b पकड़ेंगे, जनरली यहाँ पे s और t होता है, बट
मैं ए और बी पकड़ता हूँ, आप कोई भी वेरिएबल पकड़ सकते हो, ए बी सी डी ई एफ कोई भी। सो अभी अगर हमने x2 को a के साथ रिप्लेस किया और x3 को b के साथ रिप्लेस किया तो हमें ये मिलेगा, जैसे मैंने x2 की जगह पे a लिखा है और x3 की जगह पे b लिखा है, ये दोनों उधर चले गए तो हो गया प्लस टू ए और माइनस टू बी, राइट। देन x1 इज इक्वल टू, ये जो 4 है मैंने नीचे ले लिया, ओके सो ये आ गया एंड x1 इज इक्वल टू a अपॉन टू एंड माइनस b अपॉन टू। अब x इज इक्वल टू, अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने x1 का वैल्यू इधर लिख लिया यानी कि a अपॉन टू माइनस b अपॉन टू। अब x2 और x3 कैसे आया, अब यहाँ पे देखो x2 जो है वो a है मतलब 0 b होगा, राइट। सो मतलब उसका तो वैल्यू कुछ नहीं है तो मैं 0 b लिख सकता हूँ, सो इसलिए मैंने x2 की जगह पे a प्लस 0 b लिखा है एंड यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 0 a लिख सकता हूँ, 0 a प्लस b वो b ही होगा इसलिए 0 a प्लस b लिखा है। अब a इज इक्वल टू, ए का वैल्यू मैंने लिख लिया दैट इज वन अपॉन टू वन और जीरो एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जीरो एंड वन एंड यहाँ पे मैंने लाइक टू से मल्टीप्लाई किया दैट इज वन टू और जीरो माइनस वन जीरो और टू और यहाँ पे दोनों के वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये हमारा आइगन वैक्टर हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसपोज का क्या रूल है, x1 का ट्रांसपोज x2 का ट्रांसपोज जीरो होना चाहिए और यहाँ पे x1 का ट्रांसपोज और x3 का ट्रांसपोज जीरो होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है टू माइनस वन और वन लिख दिया एंड यहाँ पे x2 का वैल्यू जो है वन टू जीरो लिख दिया। तो अभी यहाँ पे टू इंटू वन दैट इज टू, माइनस वन इंटू टू दैट इज माइनस टू एंड वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो अगर इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमें जीरो मिलेगा, यहाँ पे भी सेम कहानी है, टू इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू, माइनस टू इंटू जीरो दैट इज जीरो एंड वन इंटू टू दैट इज टू, सो माइनस टू प्लस टू जीरो। सो ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हमें तब कैलकुलेट करना पड़ता है जब ये सिमेट्री हो। सिमेट्री क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नोट्स में मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर इस सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व किया और आपके पेपर में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और लोगों को इस पेपर में केटी और ड्रॉप तक लग जाता है, ठीक है। रिस्क मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो। नोट्स अगर आपको परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप मेरे नोट्स परचेस करोगे तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 70-80% मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज प्लैनेट ओजस, सेकंड यूट्यूब चैनल जिसका लाइक नाम मैंने इस वीडियो के टाइटल में दे रखा है या डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा लिंक, ओके। सो आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आई मेक मोटिवेशनल वीडियोज़। Thank you for watching this video and have a nice day. Bye-bye.